वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 4 करेंगे, जो कि क्लास 7 की है और सब्जेक्ट है साइंस। ये वर्कशीट 27 जुलाई 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। वर्कशीट शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखते हैं आज की वर्कशीट। प्रॉपर्टी एंड चेंजेस। प्रॉपर्टी सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट इज ऑफ अ सब्सटेंट आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टी। तो देखो, अगर किसी भी सब्सटेंट की उसका शेप कैसा है, साइज कैसा है, कलर कैसा है, स्टेट कैसा है, लिक्विड स्टेट में है या सॉलिड स्टेट में है, तो ये सब क्या कहलाता है, उसकी प्रॉपर्टी कहलाई जाती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाई जाती हैं। अ चेंज इन विच ए सब्सटेंस अंडरगो ओ चेंज इज फिजिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। अगर किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज में शेप, साइज, कलर एंड स्टेट इनमें कुछ चेंजेस आता है तो उसे हम फिजिकल चेंजेस कहते हैं। यहाँ से समझो, किसी भी सब्सटेंस का शेप कैसा है, साइज, कलर और स्टेट, ये सब क्या कहलाते हैं, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाते हैं। और इन फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर कुछ चेंजेस होता है तो उसे हम फिजिकल चेंजेस कहते हैं। और फिजिकल चेंजेस इज जनरली रिवर्सिबल। जो फिजिकल चेंजेस होता है वो जनरली क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। इन सच ए चेंज इज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। और उसमें कोई भी नया सब्सटेंस हमें नहीं मिलता। अगर नया सब्सटेंस मिलता है तो वो फिजिकल चेंज नहीं, वो केमिकल चेंज है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, ये है आइस। आइस को आप मेल्ट करके क्या बना सकते हैं, वाटर बना सकते हैं। और वाटर को फिर आप फ्रिज में रख दो, फ्रीजर में, तो क्या हो जाएगा, बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, रिवर्सिबल हो गया। एक से दूसरा बन जाता है, दूसरे से पहला बन जाता है। तो जितने भी फिजिकल चेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। उनको हम क्या कर सकते हैं, वापस से बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि जब सब्सटेंस चेंज हुआ है वो नया सब्सटेंस कुछ नहीं बनता, सेम वही सब। जैसे वाटर है, बर्फ में भी क्या है, वाटर है, और पानी में भी क्या है, वाटर है। बस उसकी क्या हुई, स्टेट चेंज हुई है यहाँ पर, ठीक है। तो कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। तो ऐसे चेंजेस को हम क्या कहते हैं, ऐसे चेंजेस को हम कहते हैं फिजिकल चेंजेस, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। ऑब्जर्विंग द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई वट एवर द चेंज इज रिवर्सिबल और नॉट। देखिए, जैसे कि एक ग्लास वाटर लिया और सोल्ट लिया, क्या ये रिवर्सिबल है? अगर हम वाटर को हीट करते हैं, गर्म कर देंगे, तो पानी जो सारा उड़ जाएगा, सोल्ट रह जाएगा, तो ये क्या है, रिवर्सिबल है। तो हम इसको लिख देंगे रिवर्सिबल। और ये कौन से है, फिजिकल चेंजेस। कैसे है, फिजिकल चेंजेस है, ये भी ध्यान रखेंगे आप। क्यों? क्योंकि कन्वर्ट कुछ नया चीज कुछ नहीं बने, दो चीजें बस मिक्स हुई है, ठीक है। अब देखिए, आपने क्या किया, यहाँ पे वुड ली, उसको बर्न कर दिया, जला दिया, अब क्या बनेगा आपके पास में, ऐश बन जाएगी, सारा राख बन जाएगी ना, जो लकड़ी जलकर क्या बन जाएगी, राख बन जाएगी। तो एक नया सब्सटेंस मिल रहा है, पहले क्या थी वुड और अब क्या बन गई, ऐश। तो नया सब्सटेंस बन रहा है, मतलब कि ये क्या है, नॉट रिवर्सिबल। ये कैसा हो जाएगा, ये केमिकल चेंजेस हो जाएगा, ठीक है। तो आप लिख देंगे नॉट रिवर्सिबल, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट। हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में देखो क्या कहा गया है, समझिए इसे। देखो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये क्या है, ब्रेड। ब्रेड को क्या किया गया है, ब्रेड क्या है, ब्रेड को कट दिया गया है। तो फर्स्ट ये कौन सा चेंज है, इसके स्टेट में चेंज आया, इसके साइज में चेंज आया, तो ये कौन सा हो, फिजिकल चेंजेस। और फिजिकल चेंजेस सारे क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। देखो यहाँ पे क्या किया गया, इस सारी ब्रेड को अगर इकट्ठा मैश करके हम वापस से इसी शेप दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल, ये भी क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ ये एक क्या है, केमिकल चेंज है जो रिवर्सिबल नहीं है, बाकी ये भी फिजिकल चेंजेस है और ये भी फिजिकल चेंज है। बाकी जो वुड को बर्न करना है वो क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज हो जाएगा, इसीलिए वो क्या हो जाएगा, नॉट रिवर्सिबल। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या कहा गया वर्कशीट में। व्हेन अ सीड इज ग्रो इनटू अ प्लांट इट्स साइज आल्सो गेट चेंज। सीड से क्या होता है, साइज में चेंज आ जाता है। इट इज़ ए फिजिकल चेंज और नॉट, एक्सप्लेन योर आंसर। देखो क्या हो रहा है, एक ये देखो, ये प्लांट लिया हमने, ये प्लांट है, अब क्या हुआ, इससे ये वाला प्लांट बन गया, ठीक है, ग्रोथ करके ये वाला प्लांट बन गया। लेकिन क्या हम इससे वापस ये बना सकते हैं, नहीं बना सकते। हमने फिजिकल चेंज में क्या पढ़ा था कि शेप एंड साइज में तो चेंज होता है लेकिन वो रिवर्सिबल होता है। क्या ये रिवर्सिबल है, ये रिवर्सिबल नहीं है, इस ग्रोथ को हम इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये क्या है, एक केमिकल चेंज है। जब सीड से प्लांट बनता है तो उसमें बहुत सारे केमिकल चेंजेस आते हैं जिससे क्या होता है कि प्लांट ग्रो करता है, और ये रिवर्सिबल नहीं, इसी प्लांट से हम ये वाला वापस हम बैक नहीं जा सकते, हम ऐसे नहीं जा सकते। जबकि हम अगर हमने देखा था कि बर्फ और यहाँ पे हमने वाटर लिया था तो हम ऐसे जाते, दोनों तरफ हमारा जो एरो था वो इस तरह से और इस तरह से, दोनों तरफ से हमारा जो एरो था वो लग रहा था, लेकिन यहाँ पे हमारा दोनों तरफ का एरो नहीं लगेगा, सिर्फ इसी तरफ का एरो लगेगा। मतलब कि ये रिवर्सिबल नहीं है। तो ये कैसा चेंजेस है, केमिकल चेंजेस है। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। देखिए इसका आंसर, द ग्रोथ ऑफ ए प्लांट इज केमिकल चेंजेस। प्लांट की ग्रोथ होना कैसा चेंजेस है, केमिकल चेंजेस है। एज इट्स ग्रोथ कैन नॉट बी रिवर्टेड, इसकी ग्रोथ को हम वापस नहीं कर सकते। मतलब कि जैसे कि ये प्लांट है और ये प्लांट है, हम इससे तो ये प्लांट बना सकते हैं लेकिन इससे ये वाला प्लांट नहीं बन सकता है। तो ये क्या है, ये नॉन रिवर्सिबल है, या लिख दीजिए इट इज़ नॉट
नॉन रिवर्सिबल, ठीक है, ये ऐड कर दीजिएगा, अदरवाइज यहाँ तक ठीक है। तो आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है, वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर को जरूर चेक करवाइए, और समझना ज़्यादा जरूरी है वर्कशीट को, वर्कशीट कंप्लीट करके टीचर से चेक करवाइए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।